आपने वो एक तीर और दो निशाना वाला मुहावरा सुना ही होगा, तो आज हम ऐसे ही कुछ करेंगे और चिकन के सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ दो नए रेसिपी और क्वाइट डिफरेंट रेसिपीज बनाने वाले हैं। तो पहले हमें क्या करना है, 1 किलो चिकन लिया है हमने, उसको हमने विनेगर और सॉल्ट के साथ मैरिनेट करके 10 मिनट्स के लिए रख लिया है। इसमें यहाँ पर हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ प्याज और गरम मसाला। पहले हमें चिकन को ऑयल के साथ उसको मिला लेना है, उसके बाद ही हमें पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको मिलाना है। आपसे बात करते करते मैंने यहाँ पर काली मिर्च स्किप कर लिया था, अब मैंने वो भी ऐड कर लिया है। अब चिकन को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद उसको मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे फ्रिज के अंदर 1 आवर के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 आवर के बाद निकाल लिया है चिकन को। अब जो भी पीसेस हमें फ्राई करने के लिए रख लिए हुए हैं, जैसे चिकन थाई और जो लेग पीस रहता है वो, उसको हमने कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिला लिया है और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। एक बार याद रख लीजिएगा कि कभी भी आपको चिकन फौरन ऑयल में छोड़ते ही उसको हिलाना नहीं है, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम अच्छे से धीरे धीरे उसको टर्न करते हुए पूरा क्रिस्प और ब्राउन होने तक उसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है ये डिश, और ये साइड डिश के लिए अच्छे से लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। देखिए बहुत ही आसानी से हो गया है ये रेसिपी, ये एक ड्राई रेसिपी है, साइड डिश की तरह काम आता है ये। और चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। जो रिमेनिंग है हमारे पास चिकन, उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किया है कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर ना हो तो आप कोकोनट पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ग्रीन चिली और करी पत्ता, इन सबको भी फिर हम अगेन अच्छे से मिला लेंगे। इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, फौरन ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल लिया हुआ है, तेल गर्म होने के बाद हमने डाल लेंगे पैन के अंदर और उसको एक बार अच्छे से हिलाने के बाद इसको हम ढकते हुए बनाएंगे। खुला नहीं रखना है क्योंकि चिकन अच्छे से पकना चाहिए, इसलिए हम इसको कवर कर देंगे और उसका जो भी जूसेस है उसके अंदर ही धीरे धीरे चिकन पूरा कुक हो जाएगा। देखिए एक बार हमने एक 10-15 मिनट्स के बाद हमने उसको टर्न कर लिया था। नारियल का पेस्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए चिकन पैन को चिपक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्राई कीजिएगा कि आप नॉनस्टिक पैन या फिर एनोडाइज्ड पैन कुछ यूज़ करें, आसानी हो जाती है कुकिंग करने में। चिकन अच्छी तरह से हर तरफ से लाल हो चुका है देखिए, तो हम इसको अब सर्व कर लेंगे रोटी या राइस के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।